नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल श्रेया नानी ब्लॉग्स। सो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 11 बजे से। आज है दीपावली, आप सभी को मेरे पूरी परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई है एवं शुभकामनाएं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्तियाँ। दीपावली का त्यौहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा के 20 दिन बाद हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली को हम कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं और यह त्यौहार हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत घी के दीयों से किया था। सो यही थी जानकारी दीपावली के बारे में। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कल थोड़ा सा सामान बच गया था। क्रैकर्स लाने थे और स्वीट्स लानी थी, वो सामान बच गया था, वो हम लोग आज लाने जाएंगे क्योंकि कल हम थोड़े से ही क्रैकर्स ला रखे थे और थोड़ा सा ही सामान ला रखे थे, इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुलाने आ रखे हैं दुकान में और यहाँ पे देखिए पटाखों की दुकान लग रही है। तो यहाँ पे सभी बुला रहे हैं पटाखों और मतलब पूरे यहाँ पे चारों ओर लग रखी है। अभी तो ये यहीं पर ही है, इसके पीछे से भी है। थैंक सर। क्रैकर्स शॉप के अलावा पोर्ट्रेट की भी शॉप लग रखी है यहाँ पे और जो शॉपकीपर हैं वो कस्टमर को बुला रहे हैं हमारे दुकान से परचेस करो सामान। और यहाँ पे टॉयज़ की भी शॉप लग रखी है। पापा हम लोग अभी राउंड में हैं सो पापा देख रहे हैं जहाँ पे अच्छे से ठीक ठाक परचेस कर सकते हैं वहाँ से हम लोग करेंगे। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कैंडल्स। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कैंडल की शॉप में और अंकल यहाँ पे हमें कैंडल्स दिखा रहे हैं। सो पापा को पसंद नहीं आ रहे हैं, देखिए पापा सारी कैंडलें देखने में हैं और पापा के रिएक्शन देखिए, पापा को साइड से कैंडल पसंद नहीं आ रही है, रिएक्शन देखिए आप पापा के। तो पहुंच गए थे घर और मम्मी देखिए शाम के प्रिपरेशन कर रही है दिया जलाने के लिए, लव भी मम्मी की हेल्प कर रहा है। और भाविका ने देखिए दियाओं में पेंटिंग कर दी है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिया खरीदे हैं, आर्टिफिशियल कम खरीदे हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। और देखिए लव भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है। सो अभी मैं मिलती हूँ आपको रात को। सो अभी बजे हैं रात के 8 और हम लोगों ने दिया जला लिए हैं जिसमें मम्मी ने ऑयल किया था और हम लोगों ने गेट से स्टार्ट कर लिया है मतलब ग्राउंड फ्लोर से। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो कहते हैं कि लक्ष्मी माता सीधे गेट से ही एंटर करती है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत घी के दियों से किया था, बट घी के दिए जलाना पॉसिबल नहीं है इसीलिए हम लोगों ने ऑयल के दिए जलाए हैं। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है क्योंकि जो मिट्टी के दिए बनाते हैं वो बहुत ही पुअर लोग होते हैं और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए दिए खरीद के मिट्टी के, क्योंकि जो आर्टिफिशियल होता है वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से कंपनी से बन के आते हैं और जो दिए होते हैं मिट्टी के जो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं वो तो गरीब फैमिली बनाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें मिट्टी के दिए परचेस करने चाहिए। सो आप लोग भी अगली दिवाली तक या कभी भी आपको दिया की ज़रूरत हो तो मिट्टी के दिए खरीदिए। ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से तो मतलब खरीद सकते हैं आप, बट पुअर फैमिली जो होती है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए। सो यहाँ पे लवू खेल रहा है आज, देखिए इसने पूरे दिन बहुत ही खेल रहा था। हम लोग तो मार्केट गए थे, मम्मी बता रही थी कि पूरे दिन भर खेलने में था। और यहाँ पे देखिए तुलसी का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे हमने तुलसी में भी दिए जलाए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट्स में भी जला रखे हैं। और यहाँ से देखिए कितनी सुंदर लग रही है लाइट्स। मम्मी कुछ दिया बुझ गई थी तो मम्मी उन्हें जला रही हैं। यहाँ पे लवू भी चिल्ला कितना रहा है आपको सुनाई दे रहा होगा। और हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे रंगोली, उतनी तो नहीं बन पाई बट हमने थोड़ी सी कोशिश की है जिससे थोड़ा सा अच्छा दिख पाए। और ये रंगोली हमने परचेस की है। तो ये रहा हमारा गन्ना जो हमने दरवाजे में लगा रखा है। ये शुभ माना जाता है लगाना घर के घरों में दिवाली के समय क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर मैं वो आपको बताने लग जाऊँ तो ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये शुभ माना जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दरवाजे में भी कैंडल लगा रखी है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। लवू देखिए लव मम्मी के साथ घूमने में, वो वहाँ पे चिल्ला भी रहा है लवू। मम्मी यहाँ पे दिया जला रहे हैं, वो बुझ जा रही है क्योंकि यहाँ पे हवा तेज़ चल रही है, मम्मी जला रही हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ पे देखिए सभी लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर लाइटिंग की है और यहाँ पे व्यू भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
सो कई लोग तो अभी यहाँ पे क्रैकर्स फोड़ने लग गए हैं। हम लोगों ने अभी फोड़े नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी पूजा ही नहीं की है। सो अभी हम लोग पूजा करेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्रैकर्स फोड़ेंगे। और ये है हमारी गैलरी का व्यू, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे लव सुबह से गन चलाने में यहाँ पे हमारे कान दर्द कर दिए हैं इसने, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लव्वू आप शांत रहो। और यहाँ पे देखिए हमारी सीढ़ी का व्यू है, यहाँ पे भी हमने कैंडल्स और दियाएं जला रखी है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। लव्वू ने सुबह से गन चलाने में मेरे हमारे कान दर्द करा दिए क्योंकि हमारे सामने ही आके ज़्यादा फोड़ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है हमारे गैलरी का व्यू। सो अभी मैं जाती हूँ नीचे, मैं आपको वहाँ से व्यू दिखाती हूँ हमारे घर का। सो ये है हमारे यहाँ का व्यू, हमारे बैक साइड का मीन्स फ्रंट साइड का। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे व्यू, हमारे पूरे घर लाइटेड, कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। सो ऊपर से मम्मी हमें आवाज़ दे रही है, आ जाओ पूजा करने के लिए। सो अभी हम लोग जाते हैं पूजा करते हैं। सो अभी मैं मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद। अभी हम लोग आ गए हैं क्रैकर जलाने के लिए छत में। और देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कितने मुर्गी छाप जलाए, और यहाँ पे अनार देखिए कितना हाई तक जा रहा है। और ये यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। देखिए सभी लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर लाइटिंग की गई है यहाँ पे, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। सभी शॉट्स फोड़ने लगे हैं, क्रैकर्स फोड़ने लगे हैं। देखिए यहाँ पे लाइट्स भी सभी लोगों ने ऑन कर दिए हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से व्यू, ये इको फ्रेंडली है बताएं। सो यहाँ पे देखिए पिथौरागढ़ का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी लोग क्रैकर्स ही फोड़ने लग गए हैं, देख सकते हैं आप। वहाँ पे देखिए आसमान में शॉट्स जला रहे हैं ये लोग, देखिए। और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का पिथौरागढ़ का शहर, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे क्रैकर्स, देखिए रात को। और यहाँ पे साउंड भी बहुत ही हो रही है, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। सो जो हवा में आसमान में जा रहे हैं क्रैकर्स, वो कितने ब्यूटीफुल लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। और अभी भी हमारे थोड़े क्रैकर्स बचे हैं, वो हम लोग अभी फोड़ेंगे। और देखिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे व्यू। सो व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ मैं यहीं, क्योंकि अभी कुछ और क्रैकर्स हो चुके हैं, उन्हें हमें फोड़ने हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकती, इसलिए मैं यहाँ की व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। सो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपको मेरे नए से नए वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सर्कुलेट कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर फॉर मोर वीडियो। Thanks for watching. Happy Diwali to you all.